ये कोई जंग नहीं है जिसमें जीत तुम्हारी होगी। एक तरफ मेरे डैड हैं और दूसरी तरफ तुम हो सीसा। आखिर में मैं ही हर्ट होंगी। सिर्फ तुम ही हर्ट नहीं होगे। पर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। यू आर राइट, चीजें अब और ज्यादा उलझने वाली हैं। और अब अगर मैं पीछे हट गई तो पापा सही साबित हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं उन्हें खुश होने नहीं दूंगी। तो तुम नहीं जा रही हो ना? अच्छा है, पर जिस रीजन के लिए हमने शादी की थी वो भूल नहीं सकते, कभी नहीं। ठीक है, जो कल रात हुआ वो फिर से नहीं होगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूं। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। चलो, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी आ ही गई। जनरेटर ऑन किया था कि इलेक्ट्रिसिटी अपने आप आ गई? इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, जनरेटर काम नहीं कर रहा और वो लोग भी चले गए। चलो अच्छा है। मॉम मॉम रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? इसे निकालिए मत, देखिए बहुत ठंड है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसको ऐसे रहने दीजिए। आखिरकार हम जीत गए। हाँ मुझे भी लगता है हम जीत गए, अब दोबारा बिजली नहीं जाएगी और ना ही अंधेरा होगा। हाँ मॉम, मैं उन सब बातों का ख्याल रखूंगा। तो क्या किसी को भूख लगी है? हाँ बहुत भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं। हाँ चलो खा लेते हैं। सुहान आकर थोड़ी देर मेरे पास बैठो, थोड़ी देर आओ ना मेरे पास, बैठो यहाँ पर। ठीक है। अब मुझे बताओ तुम अपसेट क्यों हो? मैं अपसेट नहीं हूँ। मैं कभी अपसेट नहीं होती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तो अच्छी बात है। मिसेस फ्यूजन आपके कपड़े बदल? हाँ बदल लेते हैं, इन कपड़ों में मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। पता है आपको पानी की आवाज आ रही है? पानी भी आ गया। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। पर मैं डिनर के लिए नहीं रुकूंगा मॉम, मुझे जाना है। अरे क्यों मिस्टर सीजो? देखो मुझे सबसे पहले जाके मिस्टर रिफत से मिलना है, और बानू भी पुलिस स्टेशन में अकेली है। मैं काम करता हूँ, अपना सामान पैक कर लेता हूँ, कल शायद कोर्ट जाना पड़ेगा। आप चाहें तो मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। डोंट वरी, वो मुझे जेल में नहीं डालेंगे, सबका ख्याल रखना ठीक है? ओहो मिस्टर सीजर, हम लोग इतने सारे लोग हैं, हम अपना ख्याल रख सकते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। और अगर कोई दिक्कत आई तो मैं जनरेटर ठीक करवा लूंगा। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, गुड बाय। मैं कॉल करूंगा। ठीक है।